अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी और स्पाइसी चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी कि ढाका चिकन। आप इसे बोनलेस तैयार कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे विंग्स है तो मैं इसी के बना रही हूँ। तो देखते हैं, क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए हमें घी नज़ा की ज़रूरत है। यहाँ पर 1/2 kg मैंने विंग्स ली हैं, 1 teaspoon मस्टर्ड पाउडर, 1 teaspoon गर्म मसाला पाउडर, 1 teaspoon चिली फ्लेक्स, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon ही नमक, 1 tablespoon कॉर्नफ्लावर, 1 अंडा चाहिए, 3 tablespoon मैदा चाहिए, 1 teaspoon लहसुन पाउडर या पेस्ट, 1 teaspoon विनीगर। अब इस चिकन में सबसे पहले मैं एग ऐड करूँगी, उसके बाद जो बाकी के तमाम स्पाइसेस हैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। अगर मस्टर्ड पाउडर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे 1 teaspoon सोया सॉस भी ऐड कर सकती हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया और अब मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदे के जो स्पून है आपने बहुत भर भर के ऐड नहीं करने। विनीगर की जगह आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकती हैं। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करूँगी और इसको 20 मिनट के लिए मैं कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। 20 मिनट जो इसकी टाइमिंग है मैरिनेशन की, वो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है इसको। और शुरू में एक चीज़ स्किप हो गई थी, मैं बताना भूल गई थी, इसमें 4 tablespoon जो है सफ़ेद तेल हम ऐड करेंगे और उसे मिक्स करके फिर रखेंगे हम। बस यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। अब ऑयल जो है वो गर्म हो गया। ऑयल जो है वो बहुत तेज़ गर्म आपने नहीं करना, क्योंकि चिकन कच्ची है तो इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हुआ तो ये बाहर से एकदम से डार्क ब्राउन हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं इसे फ्राई करने में। यहाँ पे चिकन जो है हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी और आप इसे किसी भी पार्टी में एज ए स्नैक के तौर पर बना के चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में काफ़ी प्रेजेंटेबल लगती है और मज़े की भी। और रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर लाजमी कीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और अपने कमेंट लाजमी दिया करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।